हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर, एक्टर और राइटर नीरज बोहरा सर के राइटर और डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। नीरज बोहरा ने 1997 में आई मूवी दौड़ से अपने राइटर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे रामगोपाल वर्मा। इस मूवी के लीड कास्ट में संजय दत्त, उर्मिला, परेश रावल और मनोज बाजपेयी शामिल थे। इस मूवी का बजट 7 करोड़ 75 लाख रहा। भारत में कमाई 8 करोड़ 20 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12 करोड़ 12 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। सन 2000 में डायरेक्टर प्रियदर्शन की मूवी आई हेरा फेरी। इस मूवी के राइटर थे नीरज बोहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, तब्बू और गुलशन ग्रोवर शामिल थे। इस मूवी का बजट 7 करोड़ 50 लाख रहा। भारत में कमाई 12 करोड़ 37 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 17 करोड़ 80 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल नीरज बोहरा की मूवी आई खिलाड़ी 420। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, महिमा चौधरी, गुलशन ग्रोवर, आलोक नाथ शामिल थे। इस मूवी का बजट 8 करोड़ रहा। भारत में कमाई 5 करोड़ 76 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 40 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 2001 में डायरेक्टर प्रियदर्शन की मूवी आई ये तेरा घर ये मेरा घर। इस मूवी के राइटर थे नीरज बोहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में सुनील दत्त, महिमा चौधरी और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 6 करोड़ 25 लाख रहा। भारत में कमाई 3 करोड़ 87 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6 करोड़ 14 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2002 में डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मूवी आई आवारा पागल दीवाना। इस मूवी के राइटर थे नीरज बोहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल और अमृता अरोरा शामिल थे। इस मूवी का बजट 13 करोड़ रहा। भारत में कमाई 16 करोड़ 2 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 23 करोड़ 42 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 2005 में डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मूवी आई दीवाने हुए पागल। इस मूवी के राइटर थे नीरज बोहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, सुनील शेट्टी, रिमी सेन और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रहा। भारत में कमाई 15 करोड़ 70 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 26 करोड़ 13 लाख कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 2006 में नीरज बोहरा की मूवी आई फिर हेरा फेरी। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, रिमी सेन और बिपाशा बसु शामिल थे। इस मूवी का बजट 18 करोड़ रहा। भारत में कमाई 40 करोड़ 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 67 करोड़ 71 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल डायरेक्टर रोहित शेट्टी की मूवी आई गोलमाल। इस मूवी के राइटर थे नीरज बोहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अजय देवगन, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, शर्मन जोशी, तुषार कपूर और परेश रावल शामिल थे। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रहा। भारत में कमाई 29 करोड़ 33 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 45 करोड़ 89 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल डायरेक्टर प्रियदर्शन की मूवी आई भागम भाग। इस मूवी के राइटर थे नीरज बोहरा। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल, लारा दत्ता, जैकी शराफ और अरबाज खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 32 करोड़ रहा। भारत में कमाई 40 करोड़ 38 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 67 करोड़ 34 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 2009 में नीरज बोहरा की मूवी आई शॉर्टकट। इस मूवी के लीड कास्ट में अक्षय खन्ना, अमृता राव और अरशद वारसी शामिल थे। इस मूवी का बजट 24 करोड़ रहा। भारत में कमाई 7 करोड़ 69 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 12 करोड़ 67 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। इसी साल नीरज बोहरा की मूवी आई फैमिली वाला। इस मूवी के लीड कास्ट में अर्जुन रामपाल, दिया मिर्जा, नीरज बोहरा और सोमा आनंद शामिल थे और यह मूवी डायरेक्ट टीवी पर रिलीज हुई थी। 2016 में नीरज बोहरा की मूवी आई रन बोला रन। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, अमीषा पटेल, तुषार कपूर, एलिना जेटली और राहुल देव शामिल थे और किसी वजह से यह मूवी रिलीज नहीं हो सकी और यही अब तक की नीरज बोहरा सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको नीरज बोहरा सर का डायरेक्टर और राइटर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।